स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आई टी पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम वेल्डर ट्रेड का सिक्स्थ पार्ट शुरू करेंगे। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सिर्फ बच्चे इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए अपना सिक्स्थ पार्ट शुरू करते हैं। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय शरीर को गर्म स्वेटर से बचाने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए? तो जब आप लोग वेल्डिंग करते हो, अपने शरीर को गर्म स्वेटर से बचाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेदर एप्रेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप अपने शरीर को इस तरीके से ढक कर रखते हैं ताकि जो वेल्डिंग की गर्म स्वेटर आपके शरीर की तरफ आए वो आपको हानि ना पहुँचाए। तो वेल्डिंग करते समय हम अपने शरीर को गर्म स्वेटर से बचाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, लेदर एप्रन का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, डी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, रूट गैप प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो उसके नीचे एक गैप दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, हम रूट गैप देते हैं। ठीक है, जैसे दो पीस हैं, इनको हमें आपस में ज्वाइन करना है वेल्डिंग की मदद से, तो नीचे की तरफ जो गैप दिया जाता है उसको रूट गैप देते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है, टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। मतलब जब वेल्डिंग है वो आपकी लास्ट कॉर्नर तक पहुंचे, तो वेल्डिंग की जो पेनिट्रेशन है लास्ट तक पहुंचे, इस पर्पस के लिए लास्ट में क्या दिया जाता है, रूट गैप दिया जाता है। तो आपका क्वेश्चन यही था, रूट गैप प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, इस पर्पस के लिए रूट गैप दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, फ्यूजन जोन क्या है? तो जब भी आप दो पीस की वेल्डिंग करते हो, ठीक है, ये आपके दो पीस हैं, इनको आपस में ज्वाइन कराना वेल्डिंग की मदद से। तो वेल्डिंग करते वक्त ये वाला एरिया क्या होगा, हीटअप होगा। तो हीटअप होने के कारण जो आपकी पेरेंट मेटल थी, मूल धातु थी, जहाँ तक वो मेल्ट होती है वो किस में आता है, फ्यूजन जोन के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का मेरे अकॉर्डिंग सही जवाब क्या होगा, ए, फ्यूज्ड डेप्थ। बट इसका जो पीडीएफ में आंसर गिवन है, डी गिवन है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होना चाहिए, फ्यूज डेप्थ तक। ठीक है, तो वो आपका फ्यूजन जोन में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच टूल इज यूज टू रिमूव द स्लैग ऑन द वेल्डिंग बेड? ठीक है, वेल्डिंग बेड से लावा को हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये जब भी वेल्डिंग करते हैं उसके ऊपर जो स्लैग्स लगी जमी होती है उसको हटाने के लिए हम कौन से हैमर का यूज़ करते हैं, चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सी, चिपिंग हैमर। ठीक है, तो स्लैग और लावा को हटाने के लिए हम कौन से टूल का यूज़ करते हैं, चिपिंग हैमर टूल का प्रयोग करते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, ऑक्सीकरण लो का उपयोग क्या है? ठीक है, आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बतानी है कहाँ पर आप यूज़ करते हो। तो आपके पास मेनली तीन तरह की फ्लेम होती है, कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है उसमें एस्टिलीन कंपेयर टू ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। जो न्यूट्रल फ्लेम होती है उसमें एस्टिलीन और ऑक्सीजन की मात्रा इक्वल होती है, और जो आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तीनों फ्लेम अलग अलग होती है, जो एस्टिलीन जो सारी कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है बीच में से रेडिश होती है। ठीक है, और जो आपकी न्यूट्रल फ्लेम और जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसमें रेडिश पोर्शन तो नहीं होता, बट जो बीच का ये इनर वाइटिश जोन है वो न्यूट्रल फ्लेम में कंपेयर टू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये वाइट वाला हिस्सा, ये वाइटिश जोन, ये जो न्यूट्रल फ्लेम में अधिक होता है कंपेयर टू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है किस मटेरियल पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अलग से लिस्ट भी बना रखी है, जैसे माइल्ड स्टील के लिए आप न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ करोगे, ब्रास के लिए ऑक्सीडाइजिंग, एल्यूमिनियम के लिए न्यूट्रल, सेटेलाइट के लिए कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज़ करेंगे। तो अलग अलग मटेरियल के लिए हम अलग अलग टाइप की फ्लेम यूज़ करते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम किसके लिए यूज़ करेंगे, ब्रास वेल्डिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, नेम द पार्ट एक्स है शोन इन द फिगर। तो आपको ये चित्र गिवन है, चित्र में जो एक्स मार्किंग है, ठीक है, तो आपको बताना है ये क्या है। तो ये आपका हेक्सा ब्लेड है, हेक्सा है, यहाँ पर ये ट्यूबलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये जो पिन बने हुए इसको एडजस्टमेंट करके फ्रेम लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही था कि ये किस पर्पस के लिए, फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या आपका फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट, अगर आपको छोटा ब्लेड लगाना हो आरी का
तो आप इस फ्रेम को छोटा कर सकते हो, इसको पीछे की तरफ मुंह करा के पिन को यहाँ पर लगाकर फ्रेम छोटा कर सकते हो। तो आपका ये क्या हुआ, फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट। आप अपने फ्रेम के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, डी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हथौड़े का प्रयोग करते समय दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, जब भी आप हथौड़े का प्रयोग करते हो कहीं पर भी, तो दुर्घटना का मेन कारण क्या हो सकता है, खराब ढंग से फिट या टूटा हुआ हैंडल। ठीक है, जो हथौड़े का आपका हैंडल होता है या उसकी जो फिटिंग होती है, अगर वो अच्छे तरीके से ना हो तो चोट लगने की संभावना रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द सोल्यूशन फॉर द सेफ्टी इन द गैस वेल्डिंग? तो जब भी आप गैस वेल्डिंग करते हो उसमें आप किस सुरक्षा उपाय को अपनाना चाहिए? तो इसमें मेन सबसे बड़ा जो सुरक्षा उपाय किया, जहाँ पर भी आप वेल्डिंग कर रहे हो उसके आसपास कहीं पर भी फ्लेमेबल मटेरियल ना हो। फ्लेमेबल मटेरियल का मतलब कोई ज्वलनशील पदार्थ ना रखा हो, कोई तेल की टंकी वगैरह इत्यादि इस प्रकार के कोई पदार्थ ना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, डी। जो ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त कार्य क्षेत्र, जहाँ पर भी आप वेल्डिंग कर रहे हो उस एरिया पर कहीं पर भी आसपास नज़दीक कोई भी ज्वलनशील पदार्थ न हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, डी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्क की चमक के कारण आंखों में जलन होने वाले व्यक्ति के लिए क्या उपचार है? ठीक है, जब भी आप वेल्डिंग करते हो कई बार आपकी आंखें रेडिट हो जाती है इरिटेशन फ्लैशेस के कारण, तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई ड्रॉप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बी। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च दबाव के कारण एस्टेलिन जनरेटर के विस्फोट से बचने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण लगाया जाता है? तो एस्टेलिन जनरेटर में विस्फोट से बचाने के लिए हम कौन सा उपकरण का यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वॉल। ठीक है, इसका काम क्या होता है बताते हैं। ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो ब्लो पाइप से पहले लगाया जाता है। ये आपकी ब्लो पाइप है, कहीं पर आगे से नोजल क्लोक होने ऐसा बंद होने के कारण जो आपकी ऑक्सीजन है वो एस्टेलिन सिलेंडर की तरफ बैक कर जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो हाई प्रेशर पर होता है कंपेयर टू एस्टेलिन सिलेंडर। तो जो ऑक्सीजन आ रही है सिलेंडर से वो एस्टेलिन सिलेंडर की तरफ मूव कर जाती है, और एस्टेलिन ऑक्सीजन में मिक्स करती है तो ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक सेफ्टी वाल यूज़ करते हैं। तो इसका काम कैसे करता है ये, ठीक है, ये इसका इनर व्यू है। जैसे जनरेटर से एस्टेलिन आती है, यहाँ से होती हुई हमारी कहाँ जाती है, ब्लो पाइप में जाती है। ठीक है, ये आपकी ब्लो पाइप है। तो नॉर्मल वर्किंग में इधर से एस्टेरिन गैस आई और यहाँ से मूव होती हुई आपकी ब्लो पाइप में चली गई। बाई चांस अगर पीछे से बैक लगता है तो बैक लगने के कारण क्या होगा, जैसे ये नीचे बैक बैक गैस वापस आएगी तो यहाँ पर इधर लिक्विड होता है, इस लिक्विड को पुश करेगी। जैसे ये लिक्विड को नीचे की तरफ पुश करेगी, यहाँ पे बैफल प्लेट लगी होती है, वो बैफल प्लेट अप होके यहाँ से इसको बंद कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जब गैस ने बैक लिया, बैक करते हैं यहाँ पे नीचे बैफल प्लेट थी वो क्लोज हो जाएगी, ये लिक्विड ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत तो बैफल प्लेट क्लोज हो जाएगी और इधर से गैस बाहर निकलना शुरू कर देगी। ठीक है, तो जो बैक आया ऑक्सीजन का इधर से, इधर सिलेंडर की तरफ ना जाके इधर से बाहर चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सी, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व। ठीक है, तो जनरेटर में ब्लास्ट होने से ये बचाता है। इसको हम कहाँ पर लगाते हैं, ब्लो पाइप से पहले लगाते हैं। ठीक है, जब भी बैक आता है तो बैक की कंडीशन में ये हमें ब्लास्ट होने से बचाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सी। तो आइए बच्चों, आपको सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो आईटीआई संबंधी सब प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई पाठशाला के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।